हाँ सर, आप बताइएगा जो आपके सामने जो है इफ्को क्रेन के सामने जो कचरे का अंबार दिख रहा है रोड पे, ये इसकी साफ सफाई नहीं होती है क्या यहाँ पे? नमस्कार जी, मैं इफ्को केंद्र बिक्री प्रभारी जुनैद आलम जी। जी हमारे यहाँ इसे हम बाहर खुद साफ करवाते हैं, कभी कभी हमारे ब्लॉक से जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो भी साफ करते हैं, पर आए दिन यहाँ का इतना डिस्पोजल यूज होता है, पॉलीथीन इतनी यूज होती है कि सब के सब उसी रोड पे ही भेज देते हैं, जिससे हमारे किसानों को जो खाद लेके किसान यहाँ से जाते हैं कई बार तो उसी में गिर गए हैं। दो तीन बार हमने भी मिट्टी डलवाई है, फिर भी इनका कोई असर नहीं पड़ा। दिन पर दिन गंदगी का अंबार लगता चला जा रहा है। हमने दो तीन बार दुकानदारों को भी अलर्ट किया कि भैया ये चम्मच किया करिए, तो वो कोई सुनते ही नहीं। मैं जिला प्रशासन से इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? कौन बेचता है ये पॉलीथिन दिख रही है ना, पॉलीथिन ग्लास कौन बेचता है? नानी। ये जो रोड पे आप लोग बेच देती हो, रोड पे फेंकवा देती हो, रोड पे गंदगी का अंबार दिख रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? हम नहीं। कौन बेचता है? नानी हमारी बेचती। क्या नाम है तुम्हारी नानी का? हम नाम नहीं जानते ना। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो, नाम बताओगे? ये बताओ नाम क्या है तुम्हारा, बोलो। ये पॉलीथीन का प्रयोग करते हो तुम जो है, पॉलीथीन में इसमें पन्नी लगी हुई है, देख रहे हो ना, और यही कबाड़ दिख रहा है तुम्हारे सामने। अगर अगर इसको बेचते हो, पहले जिसमें पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है, आप लोग अगर इसको बेचते हो तो इसको हटाते क्यों नहीं हो रोड से? चलते साफ से नहीं यार, ये साफ करते हो? ये रोड है, ये रोड दिख रही है। अरे तो हम अकेले थोड़ी ही सुनना था, पूरा बेचे दूंगा। कौन बेचता है बताओ नाम? सभी बेचे दूंगा। सभी बेचते हैं? ये तुम्हारी दुकान के सामने इतना कबाड़ दिख रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है साफ सफाई की? हमारी जिम्मेदारी। तो साफ क्यों नहीं करते हो? चल रहे हैं साफ करने, चल रहे हैं साफ करने। कब साफ करोगे? अभी चल रहे हैं, झाड़ू लगाने जा रहे हैं। साफ करो इसको।